नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अलर्ट पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड इंटर्नशिप को लेकर। ठीक है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, कोरोना काल प्रथम वर्ष में नहीं हुई इंटर्नशिप। ठीक है, प्रथम वर्ष में नहीं हुई इंटर्नशिप। बीएड के 1.5 लाख विद्यार्थियों को विद्यार्थी परेशानी में। ठीक है, बीएड के 1.5 लाख विद्यार्थी परेशानी में। इंटर्नशिप अटकी भर्तियों से बाहर होंगे। ठीक है, इंटर्नशिप अटकी तो भर्तियों से बाहर होंगे। ठीक है, हम आपको पूरी खबर पढ़कर सुनाते हैं। ये देखिए, जयपुर कोरोना वायरस के चलते हुए स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं का असर अब विद्यार्थियों पर देखने को लगा है। बीएड प्रथम वर्ष के लिए करीब 1.5 लाख छात्र ऐसे हैं जो पिछले वर्ष इंटर्नशिप नहीं कर पाए, उनको सीधे ही बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिया गया। अब अंतिम वर्ष में होने वाली 94 दिन की इंटर्नशिप पर भी संकट खड़ा हो सकता है। जुलाई से पहले बीएड की परीक्षा होनी है, अगर परीक्षा करा भी ली गई तो बिना इंटर्नशिप रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, रिजल्ट जारी नहीं होगा। ठीक है, इधर सरकार ने इन छात्रों की इंटर्नशिप यानी परीक्षण कार्य को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया। ठीक है, बता दें कि प्रदेश में 1400 बीएड कॉलेज हैं, इनमें से 1.42 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे मिलेगा पढ़ने का अनुभव। ठीक है, लॉकडाउन से पहले विश्वविद्यालय में परीक्षण कार्य के लिए शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन 22 मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया का कारण इंटर्नशिप अटक गई। अब अंतिम वर्ष में अब परीक्षण कार्यों का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, अगर जारी हो सकता है तो छात्र 94 दिन की इंटर्नशिप पूरी नहीं हो कर पाएंगे। ठीक, ऐसे में छात्र को स्कूलों में पढ़ाने का अनुभव कैसे मिल पाएगा। ठीक है, जो आपकी इंटर्नशिप है वो अटकी हुई है। ठीक है, आपकी इंटर्नशिप है वो नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए स्टडी के साथ।